आ जाओ दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के इस सेशन में। आज बात करेंगे अनुसूचियों के बारे में। तो इससे पहली जो वीडियो बनाई है मैंने अनुसूचियों के बारे में, उसमें थोड़ा हल्का फुल्का ही मैंने अनुसूचियों के बारे में बताया, पर सवालों का लेवल थोड़ा ऊंचा जा रहा है। तो आज बात करेंगे, थोड़े गहराई से बात करेंगे अनुसूचियों के बारे में कि इनके अंदर आखिर है क्या, क्वेश्चन कैसे बन रहे हैं। ठीक है, बात करते हैं। प्रथम अनुसूची ये आर्टिकल 1 से 4 के बीच में है। प्रथम अनुसूची किसमें दिखाई गई है? आर्टिकल 1 से 4 के बीच में। इसमें राज्यों के नाम दिखाए गए, राज्य क्षेत्र, संघ क्षेत्र, ठीक है, और उनकी सीमाओं के बारे में बताया गया है। तो 28 राज्य हैं और 8 यूटी हैं। तो ठीक है, राज्यों के नाम, राज्य क्षेत्र और उनकी सीमाएं, ठीक है, आर्टिकल 1 से 4। ठीक, आगे चलते हैं दूसरी अनुसूची में। इसमें वेतन और भत्ते के बारे में बताया गया है। वेतन जैसे राष्ट्रपति का वेतन, राज्यपाल का वेतन, न्यायाधीश का वेतन, इन सबका वेतन दूसरी अनुसूची में है। पर देखने वाली बात यह है कि प्रधानमंत्री का वेतन दूसरी अनुसूची में नहीं है। तो सवाल बनेगा कि प्रधानमंत्री का वेतन दूसरी अनुसूची में है, तो तुम कथन दिए होंगे उस टाइप से बोलना है कि है या नहीं है। ठीक है, आगे एक सवाल रखा है मैंने, देखो इसमें दिया है कि अनुसूची 2 में राष्ट्रपति के वेतन भत्ते का उल्लेख नहीं है, लेकिन राष्ट्रपति के वेतन का उल्लेख तो है। ठीक है, तो ये गलत हो गया। अब अनुसूची 3 में राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख है, ये भी गलत है क्योंकि अनुसूची 3 में राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख नहीं है। तो आगे पढ़ते हैं तीसरी अनुसूची, देखो क्या है इसमें। शपथ और प्रतिमान की बात करी गई है, शपथ और प्रतिमान की बात करी गई है। ठीक है, शपथ और प्रतिमान के बारे में देखो क्या है। जैसे मंत्री, सांसद, सीएजी, न्यायाधीश और एमएलए, इनके शपथ और प्रतिमान की बात करी गई है, लेकिन अपवाद क्या है, राष्ट्रपति, राज्यपाल और उपराज्यपाल की शपथ का उल्लेख नहीं है। तो तीसरी अनुसूची में शपथ तो है पर किन की नहीं है, राष्ट्रपति, राज्यपाल और उपराज्यपाल की शपथ नहीं है। जैसे वेतन की बात करें, राष्ट्रपति, राज्यपाल और न्यायाधीश के वेतन का तो है पर प्रधानमंत्री के वेतन का उल्लेख नहीं है। इस टाइप से देखते हैं, ठीक है, आजकल क्वेश्चन ऐसे ही बन रहे हैं। आते हैं चौथी अनुसूची पर। चौथी अनुसूची आर्टिकल 80 का दूसरा भाग है, आर्टिकल 80 का दूसरा भाग, ठीक है, चौथी अनुसूची है। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा के स्थानों का आवंटन। तो राज्यसभा के स्थानों का आवंटन ये जनसंख्या के आधार पर होता है, 1971 से शुरुआत हुई थी राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की। ठीक है, बात करेंगे पांचवी अनुसूची की। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के जो क्षेत्र है उनके प्रशासन का नियंत्रण पांचवी अनुसूची में है। पांचवी अनुसूची में क्या है, जनजाति क्षेत्र के प्रशासन का नियंत्रण। ठीक है, छठी अनुसूची काफी इंपोर्टेंट है। छठी अनुसूची इनमें क्या है ना, छठी अनुसूची में किन राज्यों का उल्लेख नहीं है, छठी अनुसूची में 4 राज्यों का उल्लेख है, ATMM, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, लेकिन मिजोरम की जगह मणिपुर नहीं है। कुछ लोग क्या है, ATMM तो याद कर लिया पर M की जगह, मिजोरम की जगह हमने मणिपुर लगा दिया। ठीक है, तो ये गलत हो जाता है। तो इसमें किसके, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, इन 4 राज्यों के प्रशासन की बात करी गई है। ठीक है, सातवीं अनुसूची में क्या है, संघ सूची, राज्य सूची और संबत्ति सूची। संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची के बारे में बताया गया सातवीं अनुसूची में। तो सातवीं अनुसूची में संघ सूची में जो है केंद्र के कानून, केंद्र जो बना सकता है, राज्य सूची में क्या है, जो राज्य उन कानून बना सकता है, संवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों मिलकर बना सकते हैं। ठीक है, ये आर्टिकल 246 पे है। ठीक है, बात करेंगे आठवीं अनुसूची की। आठवीं अनुसूची में भाषा है, तो मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, 21वें संविधान संशोधन में 15वीं भाषा जोड़ी गई सिंधी। ठीक है, 71वें संविधान संशोधन हुआ, ठीक है, उसमें 16, 17, 18 नंबर की भाषाएं जोड़ी गई, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, इसको ना, मा, का, नमक से याद कर सकते हैं। ठीक है, 92 नंबर का संविधान संशोधन हुआ, उसमें 4 भाषाएं जोड़ी गई, बोडो, संथाली, डोंगरी और मैथिली जोड़ी गई। ठीक है, नवी अनुसूची पर आते हैं। नवी अनुसूची में देखो क्या है, ये मूल संविधान में तो 8 अनुसूची थी। ठीक है, तो नवी अनुसूची कब जोड़ी गई, पहले संविधान संशोधन 1951 में जोड़ी गई। क्यों जोड़ी गई, भूमि सुधार के लिए, जमींदारी उन्मूलन के लिए। ठीक है, तो ये 24 अप्रैल 1971 को केशवानंद भारती की समिति के द्वारा जोड़ी गई थी नवी अनुसूची, पहले संविधान संशोधन के द्वारा। दसवीं अनुसूची 52वें नंबर का संविधान संशोधन था, इसमें दल बदल की बात करी गई, इसमें दल बदल के आधार पर संसद और विधानसभा के सदस्यों के निहरता से संबंधित थी। ठीक है, दसवीं अनुसूची किससे थी, दल बदल से, 52 नंबर के संविधान संशोधन से जोड़ी गई थी। बात करेंगे ग्यारहवीं अनुसूची में, देखो क्या है, इसमें आर्टिकल 243A से 243O तक दिया गया है ग्यारहवीं अनुसूची। ठीक है, ये 73वां संविधान संशोधन 1992 से
जोड़ी गई थी और ये लागू हुई थी 24 अप्रैल 1993 से। तो ये काफी इंपोर्टेंट है, काफी बार पूछा गया। 11वीं अनुसूची 24 अप्रैल 1993 से लागू हुई, इसमें 29 विषय हैं, ठीक है, 29 विषय हैं। 12वीं अनुसूची की बात करेंगे, 12वीं अनुसूची में 243 आर्टिकल, 243 पी से शुरू हुआ है जेड तक, इसमें नगर पालिकाओं की शक्तियों के बारे में बताया गया है। 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं की शक्तियों के बारे में बताया गया, ठीक है। 74वें नंबर का संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया था, इसमें 18 विषय हैं, तो इसके विषय भी काफी इंपोर्टेंट है। 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं, 29 विषय, और 12वीं अनुसूची में कितने विषय हैं, 18 विषय, ठीक है। अब आते हैं शॉर्ट नोट, देखो काफी हेल्पफुल रहेगा आपको याद करने के लिए, काफी ध्यान से देखना। अनुसूची, ठीक है, पहली अनुसूची 28-8, दूसरी अनुसूची वेतन भत्ता, तीसरी अनुसूची शपथ, चौथी, ठीक है, राज्यसभा की सीटों का विवरण, पांचवी अनुसूची में SC ST का प्रशासन, छठी अनुसूची में चार राज्यों का प्रशासन, ठीक है, और सातवीं अनुसूची में क्या है, सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। आठवीं अनुसूची में भाषा है, ठीक है, 14-22 का आंकड़ा है, ठीक है। नवीं अनुसूची में पहला संविधान संशोधन था भूमि सुधार का। 10वीं अनुसूची 52वें नंबर का संविधान संशोधन था दल बदल का। 11वीं अनुसूची का 73 नंबर का संशोधन था, इसमें पंचायत होंगी, ठीक है। 11वीं अनुसूची में 12वीं अनुसूची 74 नंबर का संविधान संशोधन था और इसमें नगर पालिका है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।